आज की वीडियो में बात गोदी मीडिया और रियल मीडिया की पिछली 5 डिबेट्स की करेंगे और देखेंगे कि दोनों तरफ के मीडिया के डिबेट के मुद्दों में कितना अंतर था। पहले बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और देखते हैं वह किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। पहला, कांग्रेस से ममता की दूरी, सियासी रणनीति, बटे विपक्ष का बीजेपी को फायदा। दूसरा, भारत की सीरियसता को गंभीर खतरा, कामरा फरूकी के शो बंद किए गए। तीसरा, ना किसानों की मौत का ना गैस का, सरकार के पास कोई सही आंकड़ा क्यों नहीं। चौथा, नागरिकता कानून पास कराने में तेजी तो नियम बनाने में ऐसी सुस्ती क्यों। और पांचवा, बिना बहस के कृषि कानून की वापसी, किसानों से अब भी इतनी दूरी क्यों। रवीश ने अपनी डिबेट में किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दे पर डिबेट की। उन्होंने अपने वीडियो के जरिए किसानों की मौत का सरकार के पास आंकड़ा ना होने पर उन्हें घेरा और कई अहम सवाल भी उठाए। कई सवालों में आखिरी के दो सवाल हैं कि किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों की संख्या का ब्यौरा दीजिए और बताइए कि क्या उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। तो जवाब में कृषि मंत्री कहते हैं कि इस मामले में कृषि मंत्रालय के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मुआवजे का प्रश्न ही नहीं उठता है। हमने किसान आंदोलन के दौरान संसद में पूछे गए 4 अलग अलग प्रश्नों और 4 जवाबों को दिखाया, बताया कि 2 जवाब में सरकार कह रही है कि कितने लोगों की मौत हुई है, 1 जवाब में कहती है 3 लोगों की मौत हुई है, 1 जवाब में कहती है 1 किसान ने आत्महत्या की। लेकिन अब जब संयुक्त किसान मोर्चा पूरी सूची के साथ मुस्तैद है कि 700 किसानों की मौत हुई है, उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए, 1 साल बाद सरकार कहती है उसके पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मुआवजे का सवाल नहीं उठता है। अब बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार विशाल शर्मा की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, ये सरकार कायर है, राहुल टिकैत ने मोदी सरकार को घेरा। दूसरा, जब किसानों ने कंगना को घेर लिया। तीसरा, अब प्रदूषण में भी पाकिस्तान का चाप, कमाल है यूपी सरकार। चौथा, यूपी का मुकाबला, अखिलेश के दम से बौखलाए योगी। और पांचवा, इजाजत सरकार ने दी, फिर नमाज पर रोक क्यों। अभिसार शर्मा ने अपनी वीडियो में उत्तर प्रदेश चुनाव पर बात की और उन्होंने इस चुनाव के मौजूदा हालात पर बात की और जानकारी भी दी। क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बुरी तरह से बौखला गए हैं? क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अखिलेश यादव को जिस तरह की प्रतिक्रिया उनके रोड शोज में मिल रही है उससे वो हिल गए? अब आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। इस वीडियो में आप देखिएगा कि एक पार्टी का नेता जिनका नाम है विभ्राट चंद्र कौशिक, वो उनसे कुछ कहने जाते हैं मंच पर और देखिएगा किस तरह से झल्ला जाते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, और फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। देखिए, बारह सेकंड के इस वीडियो में यह नेता मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के कान में कुछ कहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा क्या गुनाह कर डाला इस नेता ने कि इस तरह से झल्ला गए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ? अखिलेश यादव की आज ललितपुर में रैली थी, जहां बुंदेलखंड में अखिलेश यादव दस्तक दे रहे हैं, और दोस्तों इन तस्वीरों से आपको पता चलेगा कि उन्हें किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। यही प्रतिक्रिया बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द का सबब बनी हुई है। अब बात गोदी मीडिया के पत्रकारों की करते हैं। पहले बात करते हैं न्यूज नेशन के पत्रकार दीपक चौरसिया की डिबेट की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को देश की जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, किसान आंदोलन की महाबैठक से पहले क्या हुआ मंथन। दूसरा, 2024 में कांग्रेस 300 पार क्यों नहीं, क्या है आजाद ख्याल। तीसरा, कौन बनेगा विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा। चौथा, 90% के पार तक कितने राज्य पहुंचे। और पांचवा, 3 कृषि कानूनों की वापसी पर अब क्यों संग्राम। दीपक चौरसिया ने अपनी डिबेट में ना ही महंगाई की बात की और ना ही अन्य जरूरी मुद्दों की। देखते हैं कि वे क्या सरकार से सवाल कर रहे हैं। आज आपने देश की बहस में सबसे ज्यादा वोट दिए 75%। 2024 में कांग्रेस 300 पार क्यों नहीं, क्या है गुलाम नबी आजाद का ख्याल, जो उन्होंने ये कहा है इसी पर बात होगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ममता बनर्जी पिछले 3 दिनों में बिजली की तरह गिरी है कांग्रेस पर। उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा जो व्यक्ति लगातार विदेश में रहता हो वो देश की राजनीति कैसे करेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि यूपीए का कोई अस्तित्व नहीं है। बात यही नहीं रुकी, गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में बोलते बोलते
से ये कह गए कि उन्हें नहीं लगता कि कांग्रेस 300 के आसपास सीटें पाएगी। शायद वो संदर्भ दे रहे थे 370 को हटाने का, यानी 2024 में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब होगा। ये भविष्यवाणी G23 के नेता गुलाम नबी आजाद ने कर दी। विपक्ष का नेता लोकतांत्रिक तरीके से तय हो, यानी 2024 का मुकाबला ममता वर्सेस मोदी हो, क्या ये संकेत दे रहे हैं प्रशांत किशोर? अब बात करते हैं रिपब्लिक भारत के पत्रकार ऐश्वर्या कपूर की और देखते हैं वे किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। पहला, मूसेवाला से जीतेगी कांग्रेस। दूसरा, अयोध्या में काम जारी, मथुरा की बारी। तीसरा, वसूली कांड में परमबीर सिंह निलंबित। चौथा, 2024 में ममता विपक्ष का चेहरा। और पांचवा, घर वापसी पर कल फाइनल फैसला। ऐश्वर्या ने अपने डिबेट में कई मुद्दों पर बात की। अब उनकी एक डिबेट भी देख लेते हैं कि वे सरकार पर भी उंगली उठा रहे हैं या फिर सिर्फ विपक्ष पर। आज पूछता है भारत में बात होगी, ऐश्वर्या का एजेंडा है कि क्यों जो भी व्यक्ति देश के खिलाफ, जो भी व्यक्ति देश पर सवाल उठाता, जो भी व्यक्ति ध्यान से सुनिएगा, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, वो कांग्रेस की तरफ क्यों भागा चला जाता है या कांग्रेस पार्टी उसके लिए चुंबक की तरह क्यों इफेक्ट दिखाती है। वो ब्लू कलर की शॉल पहने हुए नवजोत सिंह सिद्धू मूसेवाला का कांग्रेस में स्वागत करते हुए, और ये राहुल गांधी के साथ, ये तस्वीर है आज की। बात पंजाब की नहीं, बात सिर्फ एक सिंगर की नहीं, बात सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति की नहीं, वो इतना पॉपुलर है। हाँ, पॉपुलर है शुभदीप सिंह सिद्धू, पॉपुलर है, मैं कह रहा हूँ पॉपुलर है। आपने वीडियो देखकर ये तो समझ ही गए होंगे कि दोनों तरफ के मीडिया के मुद्दे में कितना अंतर है। आप दोनों तरफ के मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।